गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बात करते हैं आज वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि डीआई का रिजल्ट काफ़ी लेट हो रहा है और इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बन चुके हैं, लेकिन क्या करें, डीआई का प्रशासन ही भाई इतनी लेट लतीफी कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई स्टूडेंट भी अपना धैर्य खो बैठे हैं और सच बताऊँ तो आपसे ज़्यादा मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और मैं काफ़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये लोग अपने अपने हिसाब से रिजल्ट इश्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया है डीआई में और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी अपना अपने आप को काफ़ी संभालने की ज़रूरत है उन लोगों को, क्योंकि रिजल्ट तो भाई बहुत लेट होने वाला है और कभी भी आ सकता है। वैसा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही लेट होगा, किसी भी टाइम आ भी सकता है, लेकिन काफ़ी लेट भी हो रहा है। तो इसका सीधा इश्यू यही है कि डीआई जो है वो जो स्टूडेंट रह गए हैं भाई उनको एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा है, बार बार उनको लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, बार बार नोटिस पे नोटिस ला रहा है। तो सीधा इसका प्रभाव भाई रिजल्ट पे तो पड़ना ही वाला है, तो आपको पता होगा। और आप वैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो आप नियमित या डेली के हिसाब से अपना डीआई का जो वेबसाइट है उसे चेक करते रहें, क्योंकि रिजल्ट तो भाई किसी भी टाइम भी आ सकता है, क्योंकि जैसे डीआई अपना नोटिस इशू कर देता है हर टाइम, तो वैसे रिजल्ट भी इशू कर सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बेसिकली इसी वजह से लेट हो रहा है क्योंकि ये लोगों ने दूसरे स्टूडेंटों को जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनके लिए फॉर्म फिर से फिलअप करा रहा है, उनके मार्क्स वगैरह ऐड करा रहा है, जो कि उनकी लिंक 30 तारीख से अवेलेबल हो जाएगी, तो वो अपना मार्क्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इसी के चक्कर में अपना भी रिजल्ट लेट हो रहा है और पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आ ही जाएगा और जिसने अपना सब कुछ अच्छा किया उसका तो 100% होने वाला ही है, तो वो तो टेंशन ना ले भाई। जो अच्छा है अपने आप में क्वालिटी जो अच्छा करके आया है एग्जाम में और मार्क्स वगैरह उसके गुड हैं, इंटरव्यू अच्छा गया, तो उसका रिजल्ट उसका तो एडमिशन 100% होने वाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट तो आपका जल्दी आ जाएगा ही, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अगस्त में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, जुलाई में तो नहीं आ पाया वैसे, इसलिए तो अगस्त में तो पक्का ही आएगा।